अगली खबर ओसिया विधानसभा क्षेत्र के तिवरी से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व छात्र संघ महासचिव और समाजसेवी बबलू सोलंकी सैनी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ दिनों से गरीब, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही प्रतिदिन 20 से 25 परिवारों को राशन सामग्री का किट वितरण कर रहे हैं। सोलंकी बताते हैं कि ये प्रेरणा अपने माता पिता और गुरुजनों से ली गई है। देश में कभी भी कोई भी आपातकालीन समय में हमेशा आगे आना चाहिए, साथ ही विकट समय में अपने साथियों को भी प्रेरित करना चाहिए। सोलंकी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ग्रुप बना रखा है जिसमें वह राशि भी एकत्रित कर रहे हैं। बबलू सोलंकी पिछले 6 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा में भी तत्पर हैं। सोलंकी बताते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कोई भी परिवार भूखा न सोए, इसके लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। तिवरी तहसील के अंदर 500 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का लक्ष्य है। लगभग 400 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित कर दी गई है। राशन सामग्री किट तैयार करते समय पूरा परिवार भी इस कार्य में हाथ बटाता है। छात्र नेता सोलंकी ने जोधपुर शहर में दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों के लिए 70 से अधिक राशन सामग्री के किट वितरित किए हैं।